वीवो वी 27 प्रो के अनबॉक्सिंग वीडियो में बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट कर रहा था रेडमी नोट 12 प्रो प्लस का डिटेल कंपैरिजन करो, तो चलो आप लोगों के लिए कंपैरिजन हाजिर है। इस वीडियो के लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरा कर दोगे। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। वीवो वी 27 प्रो में बैक साइड की तरफ ग्लास बैक देखने को मिलता है, लेकिन एक कलर चेंजिंग बैक पैनल है। इसका कलर टोटली चेंज हो जाता है अगर आप इसको धूप में लेकर जा। मैं बहुत सारे स्टाइल में इसका कलर चेंज किया था, मुझे सच में काफी अच्छा लगा इसका कलर चेंजिंग बैक पैनल। अगर आप हाथ में लेकर यूज कर रहे हो, दूसरे पर्सन को पता चलेगा कि आप एक प्रीमियम फोन या फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हो। उसके साथ साथ बहुत लाइट वेट फोन है, बहुत पतला फोन है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा फोन है। अगर आपके हाथ थोड़ा सा छोटा है, पहले यूज करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन यूज करते करते कंफर्टेबल हो जाओगे। रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में भी बैक साइड की तरफ ग्लास बैक देखने को मिलता है, लेकिन इस फोन में बहुत ज्यादा हाथों का निशान आता है। मेरे पास ब्लैक कलर है, शायद ब्लैक कलर के वजह से बहुत सारे हाथों का निशान वगैरह आ रहा है। अगर आपके पास ब्लू कलर वगैरह रहेगा उसमें शायद कम हाथों का निशान वगैरह आएगा, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर है तो उसके वजह से बहुत ज्यादा हाथों का निशान आता है। साथ ही साथ थोड़ा सा हेवी फोन है, थोड़ा सा मोटा फोन है, आप एक हाथों से ज्यादा टाइम तक यूज करोगे हाथ थोड़ा सा दुखने लगेगा कुछ टाइम के बाद। अगर आप लोग लाइट वेट फोन लेना चाहते हो, पतला फोन लेना चाहते हो, वीवो के पास एक बार जरूर चेक करना। डिस्प्ले के पास देखोगे रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। यहाँ पे कार्व डिस्प्ले नहीं दिया है, फ्लैट डिस्प्ले है, बेजल स्टेन वगैरह एवरेज है। मैंने बहुत सारे मूवी वगैरह, बहुत सारे वीडियो वगैरह रेडमी के फोन में देखा हूँ, अच्छा क्वालिटी मुझे मिलता है। इस फोन को आउटडोर में भी मैंने यूज किया हूँ, तो इसका आउटडोर ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, तो थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में स्मूथ भी हो जाता है ये फोन। वीवो वी 27 प्रो में देखोगे 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। दोस्तों यहाँ पे कार्व डिस्प्ले दिया है, उसके वजह से एक प्रीमियम जैसा लुक देता है। बहुत सारे लोग कार्व डिस्प्ले का दीवाना है, तो उन लोगों के लिए ये फोन ज्यादा करके बनाया गया है। बहुत सारे लोग इस फोन को खरीदेगा इसके कार्व डिस्प्ले के वजह से। साथ ही साथ कार्व होने के वजह से बेजल्स वगैरह बहुत पतला है। मैं बहुत सारे मूवी, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो वगैरह चेक कर रहा था, हर एक सिचुएशन में देखा हूँ बेजल्स उतना ज्यादा नोटिस ही नहीं होता है। ऊपर से इसके सेटिंग के अंदर विजुअल एनहांसमेंट बोल के एक सेटिंग है, उसको इनेबल कर दोगे और भी कलर में बूस्ट मिलेगा। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, तो स्क्रॉलिंग में यहाँ पे भी आप लोगों को मजा आएगा। और आउटडोर में भी मैंने यूज किया था, इसका आउटडोर ब्राइटनेस भी काफी अच्छा है। रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट मिलता है। 441,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है। इस फोन में मैंने पबजी वगैरह खेला था, पबजी वगैरह आप लोग अच्छा खासा खेल पाओगे, दिक्कत नहीं होगा। स्मूथ एक्सट्रीम करके मैंने खेला था, एचडीआर सेटिंग करके भी मैंने खेला हूँ, हर एक सिचुएशन में बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, लैग वगैरह नहीं होता है, और पबजी खेलने के टाइम में हीट वगैरह भी नहीं होता है। मैं लगभग 3-4 घंटे तक पबजी खेला था, तो जो सब कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ मैं खुद टेस्ट करके बता रहा हूँ। वीवो वी 27 प्रो में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट मिलता है। 8,42,000 इसका अंतुतु स्कोर आया है, रेडमी से लगभग 4,00,000 ज्यादा। इस फोन में भी मैंने पबजी खेला हूँ स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग करके और HDR अल्ट्रा करके। स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन वीवो के फोन में नहीं दिया है, अपडेट के बाद आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है उसके बारे में वीवो कुछ नहीं बताया है, लेकिन अभी तक HDR एक्सट्रीम करके खेल पाओगे और स्मूथ खेल पाओगे। लैग जिटर वगैरह यहाँ पे भी आप लोगों को महसूस नहीं होगा, यहाँ पे भी मैं 3-4 घंटे खेला हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ स्मूथ चलता है। और हाँ, गेमिंग के टाइम में हीटिंग इशू भी मैं उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया हूँ वीवो के फोन में। बैटरी के पास देखोगे रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में 4980 एमएच का बैटरी मिलता है। मैं इसका बैटरी डेंटिस्ट किया हूँ सिर्फ पबजी खेलकर, 5.5 घंटे के आसपास मुझे स्क्रीन ऑन टाइम दिया था। अगर आप नॉर्मल यूज करोगे, डे टू लाइफ यूज करोगे, एक दिन आराम से दे देगा। ऊपर से 120 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर है, 35 या 40 मिनट के अंदर ये फोन फुल चार्ज करके दे देता है। तो इस फोन का चार्जिंग टेस्ट कंपैरिजन भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो एक बार जरूर चेक कर लेना। वीवो में 4600 एमएच का बैटरी मिलता है, थोड़ा सा कम बैटरी है, लेकिन बैटरी लाइफ
शानदार देता है, 5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देता है पबजी कंटिन्यू खेलने के बाद भी, लेकिन नॉर्मल यूज करोगे एक दिन आराम से जाएगा। यहाँ पे 66 वाट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर है, 45 मिनट के अंदर विवो का फोन फुल चार्ज करके दे देता है। बात करते हैं कैमरा के बारे में। रेडमी नोट 12 प्रो प्लस में बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का दिया है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। विवो के फोन में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का थर्ड सेंसर, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। देखिए विवो का फोन जाना जाता है कैमरा के लिए, यहाँ पे हर एक सिचुएशन में विवो विनर रहता है। हर एक पिक्चर में अगर डिटेलिंग देखने जाओगे कहीं ना कहीं विवो के फोन में आप लोगों को स्लाइटली बेटर लगेगा। और तो और रेडमी का जो 200 मेगापिक्सल है मुझे उतना फर्क नहीं पता चला रेडमी के 50 मेगापिक्सल के आगे। दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और अल्ट्रा वाइड से मैंने पिक्चर वगैरह खींचा था, लगभग सेम क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया है और सेम क्वालिटी का पिक्चर ही आप लोगों को मिलेगा। नॉर्मल सैंपल में डिटेलिंग तो मस्त है, कलर कंट्रास्ट वगैरह भी दोनों ही फोन मेंटेन करता है, लेकिन ज्यादा करके जो नेचुरल कलर है वो विवो प्रोड्यूस करता है और अच्छा एक आउटपुट हम लोगों को दिखाता है। लेकिन प्रोटेट मोड में एक चीज मैंने नोटिस किया हूँ, रेडमी के फोन में स्लाइटली बेटर प्रोटेट मिलेगा नॉर्मल मोड में, लेकिन विवो के फोन में 2x जूम करके प्रोटेट खींच पाओगे, थोड़ा सा टेलीफोटो लेंस जैसा लगता है, लेकिन वैसे क्वालिटी आप लोगों को नहीं मिलेगा, बस जूम करके आप प्रोटेट पिक्चर खींच पाओगे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत सारे लोग इसको यूज भी करेगा, लेकिन पर्सनली मेरे को जो प्रोटेट सैंपल है वो रेडमी का पसंद आया है। सेल्फी कैमरा में दोनों ही पिक्चर अच्छा है, लेकिन साइड बाय साइड देखोगे विवो का फोन शानदार आप लोगों को लगेगा, चाहे वो डिटेलिंग के मामले में हो या एज डिटेक्शन के मामले में बोल लो। लेकिन सेल्फी कैमरा में जो बैकग्राउंड है ना वो मैंने नोटिस किया था विवो के फोन में स्लाइटली ब्लरिश टाइप कर देता है, जबकि रेडमी के फोन में नेचुरल डिटेलिंग के साथ दिखाता है। दोनों का अगर वीडियो सैंपल साइड बाय साइड दिखाऊं, विवो के फोन में OIS मिलता है तो उसके वजह से विवो का जो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी है वो आप लोगों को शानदार मिलेगा। विवो के फोन में स्टेबिलाइजेशन काफी अच्छा है। विवो के फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफी फास्ट है। रेडमी के फोन में एमोलेड डिस्प्ले तो है लेकिन साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है लेकिन 30,000 रुपीस में जस्टिफाई नहीं करता है, कम से कम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना ही चाहिए था। प्राइस के पास देखोगे रेडमी का जो 8GB 256GB बेस वेरिएंट 30,000 रुपीस में मिलता है और विवो का जो बेस वेरिएंट 8GB 128GB 38,000 रुपीस में मिलता है, लेकिन ऑफर वगैरह लगाकर 35,000 या 34,000 रुपीस में विवो V27 प्रो आप लोगों को मिल जाएगा। बात करते हैं दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है या कौन सा फोन खरीदना चाहिए। देखिए दोस्त हर एक चीजों से विवो विनर है, चाहे वो कैमरा, चाहे वो परफॉर्मेंस, चाहे वो डिजाइन, चाहे वो वीडियो क्वालिटी, हर एक सिचुएशन में विवो विनर रहता है। तो यहाँ पे तो साफ साफ विवो विनर है, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है 30,000 रुपीस के ऊपर नहीं जा सकते तो आप लोग रेडमी के पास देखिए, वरना थोड़ा सा ज्यादा पैसा डालकर विवो का फोन भी ले सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन है। उम्मीद करता हूँ ये फोन आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।